आप देख रहे हैं आर भट्ट न्यूज, खबर नालंदा से है। नालंदा जिले के सिलाब थाना क्षेत्र के कराह गांव में घरेलू विवाद में एक पति ने अपनी ही पत्नी पर तेजाब फेंक कर जलाने का प्रयास किया। घटना के बाद परिजनों ने उसे इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती कराया, जहां से उसे बेहतर इलाज के लिए पावापुरी मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया। पीड़िता परवेज आलम की 30 वर्षीय पत्नी रेशमा खातून है। घटना के बारे में बताया जाता है कि परवेज आलम को पूर्व से ही 5 बच्चे हैं और बच्चों की चाहत को लेकर अक्सर दोनों मार विवाद हुआ करता है। किसी विवाद को लेकर पति ने गुस्से में आकर पत्नी पर तेजाब फेंक दिया। इधर घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। क्या हुआ है? हम उसके साथ रहने नहीं मांग रहे थे। अच्छा, इसीलिए जबरदस्ती बोल रहा कि तू रह। अच्छा, रह, इसीलिए बच्ची बोले मेरे पर फेंक दिया तेजाब। कौन तेजाब फेंका था? मेरा सौहर। अच्छा, पेट में बच्चा भी है ना आपका? है जी। अच्छा, आप बोल रहा कि ऑपरेशन नहीं कराएंगे, अब बच्चा पैदा करेंगे। अच्छा, कितना बच्चा पहले से? मेरा 4 बच्चा, अभी यही पांचवा। अच्छा, क्या नाम हुआ आपका? मेरा रेशमा खातून। कहाँ घर है? ससुराल बिहार में, बिहार शरीफ शेरपुर मोहल्ला नैयर है। अच्छा, ये घटना कहाँ हुआ? घटना हुआ कड़ाह में, सिलाव कड़ाह जी। क्या बताई है जी? क्या बताई? बताई है वही कि नहीं रहना चाह रहे थे, तो इसी वजह से डिलीवरी की वजह से कि हम ऑपरेशन करवा लेंगे, नहीं हमको आओ बच्चा चाहिए, आओ बच्चा चाहिए, इसी वजह से मारपीट लगाते थे। कौन बोलता था आओ बच्चा चाहिए? सौर इसका। अच्छा, इसका सौर बोलता था आओ बच्चा चाहिए, आओ बच्चा चाहिए, इसी वजह से मारपीट किए। नया साल के दिन मारपीट भगा दी सर। अच्छा, अभी पेट में कितना महीना का बच्चा है इसका? 8वां महीना का। 8वां महीना का है, और आज रोते हुए दम आई है, बोल रक्त जात हम छीट दी सर, रोते हुए चला गई। तो सौहर ऐसा की सर? सौहर से जी। हाँ, आपका क्या नाम हुआ? अंगूरी खाते।